नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ रेशमा, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। भारत और श्रीलंका के बीच हाई स्पीड यात्री नौवहन सेवा 4 दशक के बाद आज बहाल हो गई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के जरिए संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज राजनयिक और आर्थिक संबंधों के नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नौका सेवा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को जीवंत बनाएगी। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत श्रीलंका के बीच फिनटेक और ऊर्जा के क्षेत्र में भी बेहतर साझेदारी है। पीएम ने कहा, हम UPI और लंका पे को जोड़कर फिनटेक सेक्टर कनेक्टिविटी पर भी काम कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान अपने वीडियो संबोधन में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे ने कहा कि उत्तरी श्रीलंका में संघर्ष के कारण भारत के साथ नौवहन संपर्क टूट गया था और अब इसे फिर से बहाल किया जा रहा है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने तमिलनाडु के नागापट्टिनम और श्रीलंका के कांके संतुराई के बीच फेरी सेवा को हरी झंडी दिखाई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। इस नौवहन सेवा के शुरू होने के मौके पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों का एक लंबा इतिहास रहा है। भारत और श्रीलंका के बीच नौवहन सेवा इन्हीं संबंधों का ही उदाहरण है। भारत और श्रीलंका के बीच हाई स्पीड यात्री नौवहन सेवा तमिलनाडु के नागापट्टिनम और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत काके संतुराई के बीच शुरू हुई है। टिकट की कीमत 6,500 और 7,670 रुपए प्रति व्यक्ति है और श्रीलंका के जाफना तक पहुंचने में 3 घंटे लगेंगे। यात्री 40 किलो सामान मुफ्त में ले जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के 141वें सत्र का उद्घाटन करेंगे। IOC का सत्र अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक होती है। IOC के सत्र में ओलंपिक खेलों के भविष्य से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय किए जाते हैं। भारत में आयोजित होने वाला IOC का 141वां सत्र वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने, खेलों में उत्कृष्टता का उत्सव बनाने और मैत्री, सम्मान एवं उत्कृष्टता के ओलंपिक के आदर्शों को आगे बढ़ाने के प्रति देश की समर्पण का प्रतीक है। G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का आज दूसरा और अंतिम दिन है। सम्मेलन में आज 2 सत्रों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लैंगिक समानता को मुख्यधारा में लाना, महिला सशक्तिकरण एवं महिलाओं के नेतृत्व में विकास और सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों के जीवन में परिवर्तन शामिल है। G20 के संसदों के पीठासीन अधिकारियों और आमंत्रित देशों ने सम्मेलन के पहले दिन सर्वसम्मति से एक संयुक्त वक्तव्य पर सहमति व्यक्त की। संयुक्त वक्तव्य में कहा गया कि G20 प्रक्रिया में संसद के स्तर पर प्रभावी और सार्थक योगदान देने के लिए सभी सदस्य देशों ने मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली में P20 शिखर सम्मेलन के दौरान अंतर संसदीय संघ के अध्यक्ष डुआर्टे पेचोको के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ऑपरेशन अजय के तहत इसराइल से भारतीयों की स्वदेश वापसी जारी है। इसी के तहत आज इसराइल से 235 भारतीय नागरिकों को लेकर दूसरी उड़ान दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरी। विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने इसराइल से विशेष विमान से नई दिल्ली पहुंचे 235 भारतीयों का हवाई अड्डे पर स्वागत किया। विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने कहा कि भारत इसराइल से अपने नागरिकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वहां लगभग 18,000 भारतीय नागरिक हैं। भारत सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन अजय के तहत इसराइल से सुरक्षित स्वदेश पहुंचे भारतीयों ने भारत सरकार और विदेश मंत्रालय का आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उत्तराखंड दौरे के स्मरण कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने अनुभव साझा किए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने दौरे की कुछ तस्वीरें भी शेयर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित पार्वती कुंड और जागेश्वर मंदिर अवश्य जाएं, यहां की प्राकृतिक सौंदर्यता और दिव्यता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माहालया के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने एक्स पर कहा कि माहालया के अवसर पर हम प्रार्थना करते हैं कि मां दुर्गा सभी के जीवन में शक्ति, ज्ञान और समृद्धि का आशीर्वाद दें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने कोहिमा में नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का उद्घाटन किया।
नागालैंड के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता यान थुंगो पेटन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा कि आगामी 5 राज्यों के चुनाव में भाजपा प्रचंड बहुमत से जीतेगी। केंद्रीय मंत्री परशोत्तम रूपाला आंध्र प्रदेश के कृष्णपट्टिनम बंदरगाह पहुंचे। इस मौके पर मत्स्य पालन मंत्री सादरी अपाला राजू, कृषि मंत्री काकानी गोवर्धन रेड्डी समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। कृष्णपट्टिनम बंदरगाह में परशोत्तम रूपाला मछुआरों के साथ बातचीत करेंगे। कुछ दिनों से मिल रही राहत के बाद राजधानी दिल्ली में एक बार फिर वायु गुणवत्ता खराब हो गई है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। सर्दी की शुरुआत से पहले ही दिल्ली में हवा में प्रदूषित हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आज मिशन शक्ति अभियान के चतुर्थ चरण के तहत महिला सशक्तिकरण रैली का शुभारंभ करते हुए महिला अपराधों को अंजाम देने वाले अपराधियों को कड़ी चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण की दिशा में किए गए प्रयासों के सकारात्मक परिणाम आए हैं। मिशन शक्ति अभियान की सफलता का ही परिणाम है कि आज भारत सरकार ने भी महिला सुरक्षा के लिए चलने वाले अभियान का नाम मिशन शक्ति ही रखा है। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसी के साथ एक संयुक्त अभियान में लश्करे तैयबा की कारगुजारी का भंडाफोड़ किया है और एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई पंजाब पुलिस के अमृतसर स्थित राज्य विशेष कार्रवाई प्रकोष्ठ ने की। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर यह जानकारी साझा करते हुए बताया कि उन लोगों के पास से 2 IED, 2 हैंड ग्रेनेड, 2 मैगजीन के साथ एक पिस्तौल, 24 कारतूस, 1 टाइमर स्विच, 8 डेटोनेटर और 4 बैटरी बरामद की गई। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि आगामी त्योहारी सीजन के दौरान पंजाब में शांति भंग करने की कोशिश कर रहे आतंकवादियों के लिए एक बड़ा झटका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मां भारती के वीर सपूत शहीद अरुण खेत्रपाल और स्वतंत्रता सेनानी लाला हरदयाल की जयंती पर उन्हें याद कर शत शत नमन किया है। राजस्थान के प्रतापगढ़ के एक गांव से चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित सांवलिया जी के दर्शन को निकली बस गांव की ही कुछ ही दूरी पर दुर्घटना का शिकार हो गई। हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई और 18 यात्री घायल हो गए हैं। और यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए एक्सप्रेस 100। लोग आप में देवानंद को देखते हैं, कितनी बड़ी ब्लेसिंग इसको अपने लिए मानते हैं। 50 साल हो गए मेरे ख्याल से मैं देवानंद साहब को मैं जी रहा हूँ, बल्कि देवानंद साहब मेरी आत्मा है। देखने के बाद मैं आईने के सामने खड़ा हो गया, गर्दन हिलाई, 55 साल हो गए आज भी गर्दन हिल गई, उसके बाद मैं रुका नहीं। आज की जनरेशन को तो यूं लगता कि मैं ही देवानंद हूं। ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, बी फॉर बॉय नहीं, बी फॉर ब्यूरोक्रेसी, कुछ इस अंदाज में शिक्षा हासिल कर रहे हैं स्लम एरिया के बच्चे। प्लास्टिक के खतरे से निपटने के लिए हो रहे हैं संगठित प्रयास। जल संरक्षण के लिए चल रही है मुहिम। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। आहो सुमन साम प्रीते वाम दक्षिण यो समा। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय। सागर हा कियान सुंदर हा क्षितिजस्य ये युद्ध हमारे अधिकार के लिए, भारत के अधिकार के लिए है, असम के अधिकार के लिए। लुक जैक्सन, लुक हाउ प्राउड योर फ्लैग फ्लाइज ऑन दिस लैंड। भाइयों और बहनों, उठा लो ये ध्वज और फहरा दो हर गांव, हर शहर, हर गली में। हम सब एक साथ कहेंगे अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेज भारत छोड़ो।
स्वराज में देखिए पुष्पलता दास और कनकलता बरुआ की महान गाथा। देखिए स्वराज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आइए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के प्रतापगढ़ के एक गांव से चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित सांवलिया जी के दर्शन को निकली बस गांव से कुछ ही दूरी पर दुर्घटना का शिकार हो गई। हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई और 18 यात्री घायल हो गए हैं। घटना आज सुबह 4:30 बजे प्रतापगढ़ बांसवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर कचोटिया गांव के पास हुई। बस सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी। जानकारी के अनुसार बस में 41 यात्री सवार थे। सभी यात्री सुहागपुरा तहसील प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। पश्चिम बंगाल के हावड़ा के सांक्राइल औद्योगिक पार्क के पास स्थित एक गोदाम में आग लगी। दमकल की 11 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के बोलाराम औद्योगिक क्षेत्र में एक निजी प्रयोगशाला में एक रिएक्टर में विस्फोट होने से कथित तौर पर कई लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मौके पर मौजूद है, अधिक विवरण की प्रतीक्षा है। एनसीबी मुंबई ने बहुराष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश करते हुए 2 अलग अलग ऑपरेशन में 3 विदेशी समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके पास 135 करोड़ रुपए कीमत की ड्रग्स जब्त की गई हैं। इनके पास से 6.9 किलो कोकीन और करीब 200 किलो अल्प्राजोलम जब्त की गई हैं। गिरफ्तार किए गए 3 विदेशी नागरिकों में 2 बोलिवियन महिलाएं भी शामिल हैं। इन दोनों के पास से 5 किलो कोकीन पकड़ी गई है। सोनीपत के खरखोदा स्थित के एमपी पर शुक्रवार को एक भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। कोलकाता के कांकुड़गाछी में दुर्गा पूजा पंडाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। पश्चिम बंगाल में माहलिया के उपलक्ष्य में सिलीगुड़ी के लालमोहन मौलिक निरंजन घाट पर श्रद्धालुओं ने स्नान और तर्पण किया। टाटा मोटर्स ने टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में 9.9% हिस्सेदारी बेच दी है। ये डील कुल 1613.7 करोड़ रुपए में हुई है। यह हिस्सेदारी 16,300 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन पर बेची गई है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि 2000 रुपए के कुल 3.43 लाख करोड़ रुपए के नोट वापस आ गए हैं और लगभग 12,000 करोड़ रुपए के ऐसे नोट अभी भी चलन में हैं। केंद्रीय रिजर्व बैंक नियमों को लेकर सख्त होता जा रहा है। नियम उल्लंघन की वजह से रिजर्व बैंक लगातार कार्रवाई कर रहा है। अब आरबीएल बैंक, यूनिशू बैंक ऑफ इंडिया और बजाज फाइनेंस पर भारी जुर्माना लगा है। कोयला क्षेत्र द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 में 2734 हेक्टेयर भूमि को हरित आवरण के अंतर्गत लाया गया है। इस दौरान 19 नए इको पार्क विकसित करेंगे। हरित आवरण पहल के लिए अनुमानित लगभग 128 करोड़ रुपए हैं। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में सचिव मनोज गोविल ने कहा कि डिजिटल बाजारों के अलावा कृत्रिम मेधा, जैव प्रौद्योगिकी और गिग अर्थव्यवस्था प्रतिस्पर्धा कानून के लिए अधिक चुनौतियां पेश कर रही है। गोविल ने 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा दौर में नवाचारों के प्रोत्साहन एवं कारवादी तरीकों के बीच संतुलन साधने की जरूरत है। हरदीप सिंह पुरी आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय MOHUA से जुड़ी संसदीय सलाहकार समिति के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में शीघ्र ही विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो सेवा नेटवर्क उपलब्ध होने वाला है। वाणिज्य सचिव सुनील बर्तवाल ने बताया कि मौजूदा इसराइल हमास संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति पर ज्यादा प्रभाव नहीं दिख रहा है, हालांकि अगर संघर्ष बढ़ता है तो हालात बदल सकते हैं। वाणिज्य सचिव सुनील बर्तवाल ने कहा कि भारत और ब्राजील ने द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2030 तक तिगुना करते हुए $50 अरब तक ले जाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। भारत और ब्राजील के बीच इस समय द्विपक्षीय व्यापार $15.2 अरब है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे और हवाई यातायात नियंत्रण ATC टावर का निर्माण मार्च 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अतिरिक्त मुख्य सचिव और उत्तर प्रदेश सरकार में नागर विमानन सचिव SP गोयल ने नई हवाई अड्डा परियोजना की समीक्षा की।
अमेरिका में सोयाबीन उत्पादन के कमजोर मासिक आंकड़े आने के बाद अधिकतर तेल तिलहनों के थोक भाव मजबूत हुए। नए फसल की आवक के बीच मूंगफली तेल तिलहन के थोक भाव में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्री पीयूष गोयल ने BIS के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार अगले 2-3 साल में 1,500-2,000 उत्पादों को अनिवार्य गुणवत्ता मानक प्रमाणीकरण के दायरे में लाएगी। पीयूष गोयल ने विश्व मानक दिवस के अवसर पर कहा कि 2014 से पहले अनिवार्य प्रमाणीकरण के तहत केवल 106 उत्पादों को शामिल किया गया था और लगभग 14 गुणवत्ता नियंत्रण आदेश QCO जारी किए गए थे। सरकार ने उसना चावल पर निर्यात शुल्क की अवधि अगले साल मार्च तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि उसना यानी सेला चावल पर निर्यात शुल्क की अवधि को बढ़ाकर 31 मार्च 2024 कर दिया गया है। पर्यटन सचिव वी विद्यावती ने जानकारी देते हुए कहा कि सरकार पर्यटन से संबंधित सभी इकाइयों को का स्वच्छता के आधार पर रेटिंग करने की सोच रही है और इसके लिए एक प्रारूप भी बनाया जा रहा है। विद्यावती ने भारतीय उद्योग परिसंघ की तरफ से आयोजित पर्यटन सम्मेलन में कहा कि स्वच्छता रेटिंग के प्रारूप पर काम चल रहा है, ये जिंदगी के लिए पर्यटन के सिद्धांत पर आधारित है। दक्षिणी लेबनान से सटे इलाकों में इजरायली सेना की गोलीबारी में एक पत्रकार की मौत हो गई है जबकि 4 अन्य पत्रकार घायल हो गए हैं। इजरायली हमले में मारा गया पत्रकार न्यूज एजेंसी रॉयटर का वीडियोग्राफर था। वीडियोग्राफर का नाम इसाम अब्दुल्ला बताया जा रहा है। इसके अलावा हमले में घायल होने वाले पत्रकारों में रॉयटर्स के थायर अल सुदानी और माहिर नाजे शामिल हैं। साथ ही अल जजीरा के भी अन्य 2 पत्रकारों के घायल होने की खबर है। इसराइल हमास संघर्ष का आज 8वां दिन है। इसराइल की सेना ने पुष्टि की कि उसकी जमीनी सेना ने कल गजा में स्थानीय छापे मारे हैं। छापेमारी का उद्देश्य लापता व्यक्तियों का पता लगाना भी था। इजरायली सेना ने पुष्टि की कि गजा में कम से कम 120 बंदी हैं। इसराइल ने कल 11 लाख लोगों को 24 घंटे के भीतर उत्तरी गजा खाली करने का अल्टीमेटम दिया था। अब इसके खत्म होने की समय सीमा काफी करीब है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका हमास द्वारा इसराइल पर किए गए हमलों में बंधक बनाए गए अमेरिकियों को वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टी ने जिम जॉर्डन को प्रतिनिधि सभा के स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार नामित किया। रिपब्लिकन पार्टी ने इसकी घोषणा की। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खात्मे की कसम खाई है। इसराइली सेना गाजा पट्टी पर संभावित जमीनी हमले की तैयारी कर रही है। नेतन्याहू ने एक संबोधन में कहा कि ये तो बस शुरुआत है और इसराइल इस युद्ध को पहले से भी अधिक मजबूती से खत्म करेगा। नेतन्याहू ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि हम हमास को नष्ट कर देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इसराइल को इस ऑपरेशन के लिए अब तक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला है। अफगानिस्तान के उत्तरी क्षेत्र में जुमे की नमाज के दौरान एक शिया मस्जिद में धमाका हुआ। धमाके में लोग हताहत हुए हैं लेकिन उन्होंने इससे जुड़ा कोई आंकड़ा सामने नहीं रखा है। गैर लाभकारी संगठन कनाडा इंडिया फाउंडेशन ने इसराइल पर भयावह आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय के नाम से जारी होने वाले नए सिक्कों में प्रकृति के प्रति उनका अनुराग प्रतिबिंबित होगा जिसके तहत इन पर उनके कुछ प्रिय जानवरों और पौधों की तस्वीर होगी। ब्रिटेन के रॉयल मिंट ने सिक्कों के नए डिजाइन का अनावरण किया। इसमें 8 सिक्कों के डिजाइन में बदलाव किया गया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को स्वदेश वापसी से पहले शीर्ष सऊदी नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। युद्ध प्रभावित इसराइल से बचाए गए 254 नेपाली छात्रों का एक समूह विदेश मंत्री एनपी सऊद के नेतृत्व में काठमांडू पहुंच गया है। इसराइल के बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से नेपाल एयरलाइंस का एक विमान दुबई रुकने के बाद त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। भारत 40 साल के बाद दूसरी बार IOC सत्र की आज करेगा मेजबानी। इससे पहले 1983 में नई दिल्ली में IOC के 86वें सत्र का किया गया था आयोजन। क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। अब तक 2-2 मुकाबले जीत चुकी दोनों टीमों की नजर जीत की हैट्रिक लगाने पर।
वनडे विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का पलड़ा भारी है। पाकिस्तान की टीम भारत को विश्व कप में कभी हरा नहीं पाई है। अब तक हुए सभी 7 मैच भारत ने जीते हैं। आज गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले भारत पाकिस्तान आईसीसी विश्व कप मैच से पहले प्रशंसकों ने अहमदाबाद में टीम इंडिया की जीत के लिए नारे लगाए। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को लेकर प्रशंसक बहुत उत्साहित हैं। उत्तर प्रदेश में भारत पाकिस्तान आईसीसी विश्व कप मैच से पहले टीम इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूली बच्चों ने मुरादाबाद में विश्व कप की 20 फुट लंबी रंगोली तैयार की। अलिस्टियर कुक ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से लिया संन्यास। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने 2018 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, लेकिन एक्सेस की सेवा करना जारी रखा था। आईसीसी विश्व कप में न्यूजीलैंड ने लगातार तीसरी जीत हासिल कर ली है। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हराने में सफलता पाई। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे विकेट लेते ही इतिहास रचा। वे तीसरे ऐसे गेंदबाज बने जिन्होंने सबसे तेज 200 विकेट लेने का कारनामा किया। भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को सितंबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला है। गिल ने एशिया कप में 75.5 के औसत से सबसे अधिक 302 रन बनाए थे। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु आज सेमीफाइनल में चीन की वांग झीई से भिड़ेंगी। भारतीय फुटबॉल टीम शुक्रवार को मेजबान मलेशिया से 2-4 से हार कर मनरेगा कप फुटबॉल टूर्नामेंट से बाहर हो गई। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दोस्ताना मुकाबले में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराया। इंग्लैंड के लिए वॉटकिंस ने किया गोल। बेल्जियम ने ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हराकर यूरो 2024 के लिए किया क्वालिफाई। बेल्जियम की ओर से रोमेलू लुकाकू ने किया गोल। पुर्तगाल ने स्लोवाकिया को हराकर यूरो 2024 के लिए किया क्वालिफाई। पुर्तगाल की ओर से क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किए 2 गोल। फ्रांस की फुटबॉल टीम ने भी यूरो 2024 के लिए किया क्वालिफाई। नीदरलैंड्स की टीम को 2-1 से हराया। शंघाई मास्टर्स टेनिस प्रतियोगिता में आज सेमीफाइनल में ग्रिगोर दिमित्रीदेव का सामना आंद्रे रुबलेव से। दिमित्रीदेव पिछले 6 साल से पहली बार एटीपी खिताब जीतने के इतने करीब पहुंचे हैं। कुमारी श्रीमती के बाद नित्या मेनन की एक और वेब सीरीज मास्टरपीस रिलीज के लिए तैयार है। शो का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ये फैमिली कॉमेडी शो है जिसका निर्देशन श्रीजीत एन ने किया है। कलर्स टीवी पर जल्द शुरू होने वाले पॉपुलर टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 17 के ग्रैंड प्रीमियर का वीडियो सामने आ गया है। इसके साथ ही वीडियो में बिग बॉस 17 के नए घर का खूबसूरत लुक भी देखने को मिल रहा है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से बताया कि हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलॉस प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार ग्रहण करने के लिए 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हिस्सा लेंगे। फिल्म सैम बहादुर का टीजर रिलीज हो गया है। भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के रोल को विक्की कौशल निभा रहे हैं। अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज को फैंस से काफी पॉजिटिव रिव्यू मिले, जिसके चलते फिल्म के मेकर्स ने इंडिपेंडेंटली ऑस्कर अवार्ड्स के लिए मूवी को सबमिट करने का फैसला किया है। एक्ट्रेस पूजा हेगड़े के जन्मदिन पर उनकी नई थ्रिलर फिल्म की घोषणा हुई। इस फिल्म में वे एक्टर शाहिद कपूर के साथ दिखाई देने वाली हैं। वीर दी वेडिंग की प्रोड्यूसर रिया कपूर ने फिल्म के सीक्वल पर काम करने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि फिल्म की कहानी पर अभी काम चल रहा है। ऋतिक रोशन हाल ही में अपनी लग्जरी गाड़ियों को छोड़ मुंबई मेट्रो में सफर करते हुए नजर आए हैं। ऋतिक रोशन अपनी शूटिंग लोकेशन पर मेट्रो से सफर करके पहुंचे। सोशल मीडिया पर टाइगर श्रॉफ एक वीडियो धूम मचा रहा है, जिसमें उन्हें सड़क पर डायरेक्टर रेमो डिसूजा की कार के संग स्केटिंग करते देखा गया। सीरियल नीमा डेंजोगप्पा में दिखी एक्ट्रेस भैरवी वैद का निधन हो गया है। 67 साल की एक्ट्रेस की मौत की खबर उनकी को स्टार सुरभि दास ने कंफर्म की है। भैरवी पिछले 45 सालों से एक्टिंग फील्ड में काम कर रही हैं। भैरवी कई गुजराती हिंदी फिल्मों और टीवी शोज में काम कर चुकी हैं।
शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। इसी के चलते डंकी ने क्रिसमस 2023 पर अपनी रिलीज लॉक कर दी है। ओटीटी के फेमस रोमांटिक कॉमेडी शो परमानेंट रूममेट्स के मेकर्स ने तीसरे सीजन का ऐलान कर दिया है। वेब सीरीज ऐसी ब्रांड्स की अपार सफलता के बाद अब मेकर्स सीरीज का दूसरा सीजन लेकर आ रहे हैं। इस बीच टीवीएफ ऐसी ब्रांड्स 2 का लेटेस्ट पोस्टर सामने आया है। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही, यहीं हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। चाय की प्याली के